मावा एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जिसे हम 90% इंडियन स्वीट्स में यूज करते हैं और इसे हम खोया भी बोलते हैं। वैसे ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मार्केट वाले खोए में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, तो क्यों ना इसे हम घर पे ही बना लें। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दूध की ही आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि मावा कैसे बनाते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपीज आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर ले, ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपीज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। खोया बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मोटे तल वाली कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पे 1 लीटर यूज किए हैं। 1 लीटर दूध के लगभग 200 ग्राम मावा बन जाते हैं। आपको जितने भी मावा बनाने हो उसके अकॉर्डिंग आप दूध ले लें। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और मिल्क में हम एक बॉयल आने देंगे। यहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान दें कि जब भी हम दूध को कढ़ाई में डालते हैं तो उस वक्त हमारा जो फ्लेम एकदम ऑफ होना चाहिए, मीन्स कढ़ाई हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हम गर्म कढ़ाई में दूध को डालते हैं तो जैसे ही हम दूध को गर्म कढ़ाई में डालेंगे, हमारी जो दूध है वो नीचे से लगने लगेगी और हमारी जो खोया है वो बिगड़ जाएगी। फिर जैसे ही दूध में एक बॉयल आ जाए तो उसे हम इस तरीके से चलाते हुए इसे बिल्कुल गाढ़ा बनाएंगे, जैसे कि हम रबड़ी बनाते हैं। और 1 लीटर दूध के मावा बनाने में हमें लगभग आधे घंटे लगेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हम 1-1 मिनट पे इस तरीके से चलाते रहेंगे। और जो साइड में जो हमारी क्रीम सेपरेट होने लगती है उसे भी हम इस तरीके से खरोच लेंगे और उसे भी हम दूध में मिलाते जाएंगे। और 1 मिनट से ज़्यादा हमें दूध को नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर नीचे से वो लगने लगेगी और हमारा जो मावा है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसे बिल्कुल नीचे तक तल से हमें खरोचते हुए दूध को मिक्स करते रहने हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, और इस स्टेज पे हमें इसे बिल्कुल लगातार इसे चलाते रहने हैं। इसे मीन्स छोड़ना बिल्कुल नहीं है, हमें पूरा ध्यान अपने आप दूध पे देने हैं, क्योंकि इस स्टेज पे बहुत ही जल्दी हमारा जो दूध है वो नीचे से जल जाता है और मावा के लिए हमें बिल्कुल भी दूध को जलने नहीं देने हैं। तो इस तरीके से साइड से इसे खरोचते रहें और बिल्कुल तल से भी इसे खरोचते रहें, नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो मावा है वो नीचे से जलने लगेंगे। अब हमारा जो मावा है वो 5 मिनट में रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हमें पूरा ध्यान अब तल पे देने हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी ही तल पे वो जो हमारे दूध है वो जलने लगते हैं। तो एकदम फास्ट फास्ट ऐसे इस तरीके से स्पून से हमें नीचे से तल से खरोचने हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैं कैसे इस तरीके से तल से नीचे खरोच रही हूँ और खरोच के उसे दूध में मिक्स करते जा रही हूँ। उसे जलने नहीं देना है हमें, और लगातार ही इसे हमें इस तरीके से चलाते रहने हैं। इसे अब हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 1 से 2 मिनट में हमारा जो मावा है वो रेडी हो जाएगा, और जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो इसमें से थोड़े थोड़े जो घी है हमारे वो सेपरेट होने लगेंगे और वो खुद ब खुद सिमट कर एक जगह पे आ जाएंगे। तो आप देखिए कैसे मैं इस तरीके से इसे सब तरफ से खरोच के इसे एक जगह पे कर रही हूँ, और जब इसमें से ऑयल जो है घी जो है वो सेपरेट होने लगेंगे तो ये खुद ब खुद एक जगह पे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मावा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो बस हमें यहाँ पे 1 मिनट और लगेंगे। बस इस तरीके से चारों तरफ से हम खरोच के एक जगह पे इसे कर लेते हैं, और 1 मिनट बाद बस हम गैस ऑफ कर देंगे, और ठंडा होने के बाद खुद ब खुद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो खोया है वो बनके रेडी हो चुका है। आप इसके गुलाब जामुन बना ले, गुजिया बना ले, पेड़े बना ले, लड्डू बना ले, आप इसके चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। इसके बहुत सारे स्वीट्स बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके लिए मावा गुजिया की रेसिपी लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब उस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा। और ठंडा करने के बाद आप इस तरीके से इसे किसी भी बर्तन में निकाल के रख लें, और अगर आपको तुरंत यूज़ नहीं करने हैं तो आप इसे फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, और बिना फ्रिज के भी आप इसे 6 से 7 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसकी कोई भी स्वीट्स बना लें या फिर इसे किसी भी तरह से यूज़ कर लें। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में खुद ही देखे होंगे कि सच में ये बनाना कितना आसान होता है, तो फिर क्यों हम वो मिलावट वाली मावे को यूज़ करें। थोड़ा सा मेहनत करके हम इसे घर पे ही आराम से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको
पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।